मध्य प्रदेश के ग्राम बिडवाल में यह दिन खास रहा। यहाँ एक अनोखा विवाह समारोह देखने को मिला है। इसमें दुल्हन के ना तो कोई रिश्तेदार थे और ना ही सगा संबंधी, फिर भी आयोजन ऐसा कि पूरा गांव एक साथ झूम उठा। प्रसंग था एक अनाथ मूक बधिर गीता के विवाह पश्चात निकले बनोले और आशीर्वाद समारोह का। इसमें दुल्हन के रूप में गीता थी, जिसका मुंह बोले भाई विपुल पाटीदार ने ना सिर्फ कन्यादान किया बल्कि गांव में धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बनोला भी निकाला। आशीर्वाद समारोह में कई जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बिडवाल सहित इंदौर, धार, बदनावर सहित आसपास से बड़ी संख्या में आए लोग साक्षी बने। मूक बधिर गीता की शादी इंदौर निवासी गोविंदा के साथ हुई थी। विपुल पाटीदार ने भाई का फर्ज अदा करते हुए बिडवाल में अपनी बहन के लिए आशीर्वाद समारोह का आयोजन रखा। शाम को विपुल के घर से बनोला निकला। सुसज्जित बग्घी में दुल्हन के वेश में सज धज कर आई गीता पति के साथ बैठी हुई थी। जब घर से बनोला निकला तो उसमें अपार जनसमूह शामिल था। इसमें युवक, युवतियां एवं ग्रामीण झूमते गाते नाच चल रहे थे। जिस ओर से यह बनोला गुजरा सब देख कर दंग रह गए। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए और पुष्पा वर्ष कर स्वागत की गई। गांव भ्रमण पश्चात बनोला माँ उमिया पाटीदार समाज की धर्मशाला पहुंचा। यहाँ आमंत्रित परिवार ने जोरदार स्वागत किया। बदनावर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने कहा कि मूक बधिर अनाथ युवती को गोद लेकर विपुल पाटीदार ने अनुकरणीय पहल की है और समाज में अच्छा संदेश दिया है और भी अच्छी सीख लेनी चाहिए, पिछड़े वर्ग को आगे लाने में मदद करनी चाहिए, औरों को इससे अच्छी सीख लेनी चाहिए। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, जनपद अध्यक्ष प्रकाश सावंत, स्टाफ सहित सर्व समाजन उपस्थित था। ज्ञात हो कि गीता सरदारपुर के बरमखेड़ी मूक बधिर आश्रम में रह रही थी। बिडवाल के विपुल पाटीदार वहां आते जाते रहते थे। इसी दौरान विपुल ने गीता से राखी बंधवा कर बहन बना लिया था। तब से हर वार त्योहार पर विपुल अपनी मुंह बोली बहन से मिलने के लिए जाता था। विपुल ने अपनी शादी का जिम्मा अपने हाथ में लिया और इंदौर में रहने वाले मूक बधिर गोविंद से रिश्ता तय कर धूमधाम से शादी कराई। लोग विपुल के इस कार्य की दिल खोल कर सराहना कर रहे हैं। देखिए धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आयोजन किया आपने, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? देखिए ऐसा है कि पॉजिटिव चीज देखनी पड़ती है इंसान, और कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिविटी हमेशा मिलेगी। हमेशा ही मैं देखता रहा था कि आरिफ भाई जो है परमंडल वाले हमारे पत्रकार महोदय हैं, वो हमेशा ही वहाँ पर जाया करते थे। हमारे मित्र हैं, बिडवाल के भी बहुत सारे मित्र हैं, हमारा एक ग्रुप था आदर्श ग्रुप, वो भी था, और बहुत से लोग हैं ऐसे, सरपंच महोदय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। अगर आप सीखोगे तो हमेशा उन्होंने प्रेरित किया है, मेरे ग्रुप के दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया है। हम लोग वहाँ पर जाते थे पहले भी, और जो हमारे पत्रकार महोदय हैं उन्होंने वो जगह पहली बार आनंद सर्विस सोसाइटी मुझे बरमखेड़ी में, मैं गया था उनके साथ में, वहाँ पर हमेशा गीता को जब भी देखता था तो गीता का चेहरा जो है मुरझाया सा, ऐसा लगता है कि जिसके सोच के देखिए आप, जिसकी लाइफ में माता पिता भी नहीं है, जिसकी छत ही नहीं है, क्योंकि माता पिता का सपोर्ट जब तक नहीं रहता इंसान के जीवन में तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद भगवान ने उसे सुनने की भी क्षमता नहीं दी और बोलने की भी क्षमता नहीं दी। वह एक मूक बधिर बच्ची है, आप खुद सोच के देखें, अगर हम अपने ऊपर लेकर देखेंगे किसी भी बात को तो हमें एहसास होगा, एहसास के साथ अगर हम देखेंगे कि माता पिता भी नहीं है और उसके बाद में मूक बधिर भी है। सोच के देखिए, एक दिन अगर आप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको खुद को एहसास होगा कि कैसा जीवन वो व्यतीत करती थी। तो उसका चेहरा हमेशा ही मुरझाया हुआ रहता था। तो मैंने उसी समय पे एक प्रण लिया था, अपने आप में एक प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए, इसे ज़्यादा तो मैं माँ बाप का प्यार तो मैं दे नहीं सकता, स्नेह माँ का स्नेह और प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें तो मैं उसे दे नहीं सकता, लेकिन एक भाई की केयर ज़रूर दे सकता हूँ, थोड़ी बहुत उसकी केयर करके। तो कोई सा भी अगर किसी भी वर्ष में अगर कोई सा भी त्यौहार आता था तो मैं कुछ कपड़े, कुछ गिफ्ट, छोटे मोटे, इन लोगों को, गीता को कभी भी पैसे से मोह नहीं रहा, कभी भी जो तोहफे से, कभी भी इन बच्चों को मोह नहीं रहता है। तो उस बच्ची के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसका कोई ना कोई, उसे कोई ना कोई मिल गया। एक भाई का जब मैंने धर्म निभाया तो मुझे खुद इतना अच्छा लगा, शायद मैं इस पल के लिए अपने आप के लिए अपने आप में खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, अपने आप से संतुष्ट हूँ कि मैंने जो भी किया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। हमेशा मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं अपने आप के लिए करता हूँ कि अपने को संतुष्ट होना, और मैं संतुष्ट हूँ।
आज से आधुनिक में जहाँ लोग अपने निजी रिश्तों को नहीं संवार पा रहे हैं, वहाँ पर आपने एक मुखबधिर छात्रा को बहन बनाकर इस रिश्ते को संवारा है। आने वाले समय में किस तरह से इस रिश्ते को निभाएंगे आप? आने वाले समय में आज एक धर्म तो पूरा किया है, एक भाई का धर्म, उसका जो कन्यादान था वो तो मैंने पूर्ण किया ही है। भविष्य में भी अगर किसी भी प्रकार की उसे आवश्यकता लगी तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ में हर कदम खड़ा रहूँगा। ये रास्ता काफ़ी कठिन था, परिवार का किस प्रकार से सहयोग रहा? हमेशा ही मेरा परिवार, मेरे पिताजी हमेशा ही धर्म के काम में हमेशा ही योगदान हर जगह पर करते हैं। सामाजिक कार्य हो या कोई सभी स्तर हो, पिताजी मेरा हमेशा ही प्रेरणा देते हैं मुझे, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे कार्य करते थे, उनसे प्रेरणा मिलती थी। कभी भी मंदिर में दान या इन चीज़ों को मैं ऐसा मानता हूँ, मनुष्य को अगर भगवान ने भेजा है तो कुछ कार्य उनके लिए भी हमें करना चाहिए, ताकि ऊपर की आपकी पीढ़ी बन सके। काफ़ी कठिन कार्य होता है कोई आयोजन करना, किन किन मित्रों का सहयोग रहा आपको? मेरे बचपन के जो मित्र हैं, श्रवण पोरवाल, जितेश वैष्णव, बहुत सारे जो जितने भी मेरे मित्र हैं, बिडवाल के जितने भी मित्र हैं, बिडवाल के जितने भी सर्विस लोग हैं, हमेशा ही उनका प्यार मिला है। इस आयोजन को करने में भी हमारे जो सरपंच महोदय हैं, बहुत सारे लोग, इसे मैंने पहले भी आपको बताया, मेरा जो एक ग्रुप था उन लोगों का सहयोग रहा, मेरे दोस्तों का सहयोग रहा, मेरे माता पिता का सहयोग रहा, मेरे परिवार का सहयोग रहा, हमेशा ही हर कदम पर, और इस कार्य को करने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं। तब मुझे उस वक्त भी इसने मुझसे कहा था और मुझे तब लगा कि हो सकता है कि ये पता नहीं ऐसे ही कह रहा है या वास्तविकता ऐसे ही है, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इस बात पर बहुत गर्व है और मैसूटिया जी को भी होना चाहिए। इतना अच्छा कार्य कर रहा है और मैं इसको साधुवाद करता हूँ और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि बाकी के हर नौजवान कुछ न कुछ अपने जीवन का समय निकाल के ऐसे रिश्ते बनाएंगे, आत्मीय रिश्ते हों, और रिश्ते बनाने के अलावा रिश्ते निभाना वो भी आज इसने बताया कैसे निभाए जाते हैं। सगे भाई की तरह इसने अमिता और गोविंद दोनों का इनका विवाह संपन्न करा है और मैं शुभकामनाएं दंपति को भी देता हूँ और उनको यही आशा रखता हूँ किसी प्रकार से अपने जीवन पर्यंत ऐसा कर कि हम हमारे जैसे लोगों को भी इस बात का निरंतर एहसास होता है। 1998 से सक्रिय हैं, लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं, इससे पहले आपने इस तरह का कोई आयोजन देखा है? मेरे स्मरण में तो नहीं, ये पहली बार ऐसा। समाज के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने बताया इतनी सारी बात, ये खुद एक नौजवान है, साक्षात उदाहरण है आपके सामने और अच्छी बात है और इस बहुत ही सबसे बड़ी बात है, जब आजकल हर एक आदमी सोशल मीडिया पे तमाम जगह आप देखिए दिखावे का बहुत एक बड़ा आडम्बर सा काफ़ी होता है, उसके परे ऐसा काम बहुत ही सराहना। सर आप बदनाम विधानसभा में कद्दावा नेता माना जाते हैं और प्रदेश में अपनी सरकार भी, तो आप ये जो यहाँ पे युवा दंपत्ति शासन की तरफ से कोई योजना जिससे लाभान्वित हो सकता है? जो भी चाहें शासन नहीं देगी तो मैं नेतृत्व सुनता हूँ। एक विवाह समारोह आयोजित करके एक अभिनव कार्य किया है, कैसा लग रहा है? बहुत स्मरणीय कार्य है। सर्वप्रथम तो मैं उन नव दंपति को जीवन के लिए बधाई देता हूँ और साथ ही मेरे बेटे ने जो अनुकरणीय कार्य किया है वो इस संभाग में सर्वप्रथम है। मेरा बेटा वास्तव में एक पूजनीय बेटा बन गया है, ऐसा बेटा हर किसी को मिले जो देश का, समाज का, धर्म का सेवा करे। मानव सेवा इस धर्म में सबकी बड़ी सेवा है। गीता और गोविंद भगवान ने जो मुझे दिया है, इस रूप में भगवान कृष्ण ने गीता का स्मरण किया, गीता का ज्ञान दिया, इस प्रकार विपुल ने मुझे गीता और ज्ञान दोनों दिया है, गीता और गोविंद दोनों दिया है। मैं मेरे बेटे को पुनः धन्यवाद पात्र हैं और समाज में ऐसा बेटा, समाज में ऐसा कार्य करे, इसके लिए ये विपुल पुनः धन्यवाद के पात्र हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।